हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सब लोग बढ़िया हो। अभी भी सुबह का 9 बज चुका है क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग करने में लेट हो गया, फिर भी यार उठ गए हैं टाइम पे। आज का बेसिकली प्लान है, देखते हैं जाएंगे सौरभ भैया से मिलने। ये भी कंफर्म नहीं है, बोल सकते हैं मतलब मिल पाते या नहीं। बाकी सुबह का कुछ ऐसा नज़ारा है भैया का घर के साइड का। देखिए दीपू भैया लगे हैं गार्डन वार्डन में, एकदम बिल्कुल वीडियो बनाने में लगे पड़े हैं, पूरा एकदम अपना बॉडी सॉडी दिखा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं जिम की तरफ और जिम करेंगे, बॉडी बनाएंगे। ऑलरेडी भैया का बॉडी बना हुआ, एंड भैया को बोल रहे थोड़ा हमारे बॉडी पर ध्यान दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार भाई, किस तरह से होगा डेवलप? अरे यार थोड़ी मेहनत करेंगे बढ़िया, जैसे यूट्यूब में भाई अपना मेहनत कर रहा ना, बहुत मेहनत कर रहा है, वैसे बॉडी बनाने में थोड़ी मेहनत करेगा तो बढ़िया बॉडी बनाएगा। बेसिकली गाइस अभी जा रहे हैं भैया साथ जिम, भैया का जिम है एक, तो वहीं पर जा रहे हैं, देखते हैं वर्कआउट करते हैं। कभी लाइफ में तो गए नहीं है जिम, बट देखते हैं, हमें भी सिक्स पैक चाहिए भाई। सुबह को वो जो माउंटेन दिखता है ना, वाकई में बहुत गजब दिखता है। ऑक्सीजन जिम, ओहो बंद है। अरे वाह कितना बड़ा है, देखिए भाई साहब। तो कोई अभी नहीं आया ना? अभी लोग वर्कआउट करके जा चुके हैं वापस, तो अभी हम लोग आए वर्कआउट करने, क्योंकि हमारे लिए 24 घंटे खुले रहता है। तो आज आपका भाई भी जिम में वर्कआउट करेगा, वैसे तो शरीर वरीर तो है नहीं कुछ। सो गाइस भाई ट्राई करने वाला है अभी, देखते हैं कैसे होता है। इसके बाद कैसे टांगों पर को भैया, टांगे ऊपर को भाई, अभी ट्राई कर रहा है, देखते हैं क्या होता है भाई से। भाई बिल्कुल तगड़ा जिम बॉय बनने वाला है। अब इनको साइड दीजिए, हाँ ऊपर उठाओ, थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाओ, ऊपर ऊपर। हाँ ये देखो भाई, ये तगड़ा, ये दिस इज तगड़ा जिम बॉय। नहीं 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 गिरेगा तो भाई, मजे ले रहा फुल जिम में, मस्ती चल रही है। और दीपक भैया अभी जिम बॉय बनने वाले हैं तगड़े बिल्कुल स्वैगर, तो उसके बाद फैजू जैसी बॉडी, जैसे फैजू की बॉडी वैसी बॉडी बनाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। और कितना टाइम तक कर लेते हैं आप यार? इसके ना 15 करने होते हैं, 15 अप डाउन। हाँ ये 2 हो गए, ये 3 हल्के हल्के तेज नहीं, शरीर में दर्द नहीं ना? ना 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 ये वाला ऐसे करना होता है। सब भैया के जिम में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या क्या है, बट जो भी बहुत अच्छा है। मुझे पता है करूँगा ना तो 1 से 2 दिन में शरीर में दर्द हो जाएगा ना भैया, कल तक। हाँ नया नया कर रहा हूँ ना, नया नया कर रहा हूँ इसलिए शरीर में दर्द भी हो सकता है। ज्यादा रिस्क नहीं लेना, कहा भैया हल्के हल्के क्या, ये बेसिकली क्या चीज कर ली है? इसको कहते हैं ट्रेडमिल। अच्छा ट्रेडमिल होती है, रनिंग की एक्सरसाइज है। ये क्या? हमारा पेट ऑलरेडी कम हुआ कम है, तो आपको जरूरत नहीं है, आपको थोड़ी मसल्स की जरूरत है, तो मसल्स एक बार देखते हैं। ओ भाई अभी गाइस जगह 4 का स्पीड है, एंड 4 का स्पीड में सिर्फ चल रहे हैं नॉर्मल। ये घर में भी कर सकते हैं, घर में ये बांस का जो बनाकर एक्चुअली करते हैं ना, तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि ये इससे ना फुल बॉडी एक्सरसाइज कहते हैं। और भी चीजें कर सकते हैं, और क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे ये कर लिया, इसको कहते हैं प्लैंक, ये भी फुल बॉडी एक्सरसाइज है। इस तरह बेसिकली जिम विम तो कंप्लीट हो गया जो करना था फर्स्ट टाइम, एंड अभी तो लॉक कर रहे हैं, अभी चल रहे हैं इनके घर पे, एंड बाकी देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है। स्ट्रीट डॉग भाई साहब, ये देखो ब्राउनी, क्या नाम है भैया? ब्राउनी 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 बानू है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है ये डॉग। वैसे भैया लेके आए हैं खाना हमारे लिए। मैं बहुत तगड़ा शेफ हूं, बहुत मास्टर शेफ हूं, एंजॉय करो। मैगी है, ये रोटी, ये क्या क्या है। तो फिलहाल गाइस खाना वाना खाते हैं, एंड उसके बाद गाइस अभी शाम को 3 बज चुके हैं, जिम से आकर सो गए थे, एंड अभी फिलहाल चल रहे हैं मार्केट साइड। मार्केट साइड ना कि सौरभ भैया से मिलने मार्केट जाएंगे, फिर वहां से सौरभ के यहाँ जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो बेसिकली सौरभ भैया से ही मिलने जा रहे हैं, एंड देखते हैं हो पाता या नहीं। और इधर तो दीपू भैया देखे बिल्कुल होगा, सब किस तरह से कंघे कर रहे हैं, माल ऐसा हो जो हाथ से काम चल सके, कंघे लगाने की कोई जरूरत ना पड़े, समझे यार। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक होने रहेगा, एंड जो चीज के लिए यहाँ पर आए थे वो फाइनली अब पूरा होने वाला है, एंड बहुत दिन से और बेसब्री से इंतजार था इस दिन का। तो चलिए फटाक से नीचे चलते हैं। ब्रोनी तो बहुत दोस्त से मिलने जा रहे हैं, इसकी दोस्त ओरियो से मिलने जा रहे हैं। गाइस हमका 3 बज रहे हैं, तो यहाँ से काफी दूर है, तो ज्यादा ज्यादा 5 आई थिंक बज ही जाएगा, एंड भैया का गाड़ी से जा रहे हैं। चलिए भैया चले। सो गाइस फाइनली
फाइनली सौरभ भाई से मिलने वाला है भाई, बहुत खुश है और आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। मेरा एक सपना पूरा होने वाला गाइस, वो भी भैया के कृपा से। अरे कृपा किसी की नहीं है भाई, बहुत मेहनत करता है लड़का, तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत आगे बढ़ेगा यही चाहते हैं। और सौरभ भाई भी हैं, अभी मिलते हैं उनसे बढ़िया से और काफी बातचीत होगी, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करेगा तो काफी अच्छा रहेगा। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यार बहुत शिद्दत से बना रहे हैं, बहुत मेहनत से, तो इस वीडियो पर अपना प्यार एंड सपोर्ट दीजिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है? बहुत मेहनत से यहाँ पर आए और कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम जा रहे हैं सौरभ भाई की तरफ और भाई हो चुका है पूरा नर्वसिया गए हैं ये, और ये भी, ये देखिए पीछे। तो बेसिकली अब सौरभ भाई से जाते हैं, मिलते हैं, अभी उनके पिताजी को फोन करते हैं, बढ़िया से बढ़िया मुलाकात होगी उनसे। बहुत ज्यादा नर्वस हो रखे यार, मतलब बहुत नर्वस है, कांप रहा है भाई। तो देखो अभी क्या होता है आगे और बहुत मजा आने वाला है। सौरभ भाई से थोड़ी गाइडेंस वगैरह लेगा भाई, तो उनसे बात कराएंगे बढ़िया से, और थोड़ी नर्वसनेस कम कराता हूँ पहले मैं इसकी, फिर वीडियो आप आगे देखो। बस भाई थोड़ा सपोर्ट करना यार, बस भाई अभी भैया उधर थोड़ा सा दुकान सड़ गया, बेकरी सड़, क्योंकि थोड़ा केक वेक ले लेते हैं, वो 10 मिलियन वाला, तो भाई उनका 11 मिलियन होने वाला, बट फिर भी हमारे तरफ से तो यार सोसाइटी कितना मस्त है, हम सिंगल सिंगल घर सभी लोगों का इधर, एंड कितना शांति इलाका भी है इधर। भी आए हुए थे सौरभ भैया के सोसाइटी में और हमारा पोपट रह गया, हमारा पोपट हो गया। क्योंकि एक्चुअली बात ये थी कि मैंने सौरभ भैया के पापा को फोन किया और उनका फोन बेसिकली लगा नहीं, तो आंटी से मिले हम, और आंटी काफी अच्छी है, आंटी कहती चाय वगैरह पिलाते, फिर हमने मना कर दिया, बिकॉज देखो ना उनकी तबीयत भी खराब है बेसिकली, आज तो मिल नहीं पाए, बट हमारी किस्मत ही खराब है यार, हमेशा तो खराब रहते ही। किस्मत खराब नहीं, कल को मिलेंगे या शाम को मिलेंगे। हाँ देखिए अब क्या होता है, शाम तक अगर मिल जाएंगे मार्केट में तो मिल लेंगे। मिले काफी अच्छा लगा, बहुत ही हम्बल इंसान है एंड उनसे मिले, बट क्या है ना आप लोगों को पता है कि सौरभ भैया के थोड़ा फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो उस वजह से जस्ट अभी कॉलोनी आए, थोड़ा बहुत फोटो खिंचवाए, फिर बाद में फिर वो अर्जेंट फिर जा रहे थे, तो इस वजह से वो हमें टाइम दे नहीं पाए, और कल परसों में फिर से मिलने वाले गाइस उनसे, फिर से मिलेंगे कल परसों में, ठीक है? अभी अच्छे से उनसे और फोटोज वगैरह काफी खींची आंटी के साथ भी, अंकल के साथ भी, सौरभ के साथ भी, पीयूष के साथ भी, तो आपको सब शेयर करने वाले हैं, सब शेयर करने वाले। बस बेसिकली सौरभ अभी आया था और हम सौरभ से मिले, काफी अच्छा लगा भाई को, और बेसिकली उनके साथ फोटोज खिंचाई, आंटी के साथ खिंचाई, अंकल के साथ खिंचाई, और ओरियो भौंक रहा था बेसिकली, सही बताया तो यार देखो ना एक्चुअल में उनके घर में भी अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उनके यहाँ सबकी तबियत खराब है तुम्हें पता है ना, तो बेसिकली उनके पास इस समय इतना टाइम नहीं था, मैंने अंकल से बोला है तो शायद वो कल को या परसों मिलेंगे, तो भाई लोगों को बढ़िया से उनको मिलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी तो पूरा टाइम है यार हल्द्वानी में, क्या दिक्कत आ रही है, अभी अल्मोड़ा घूमेंगे बढ़िया से और उनसे मिलेंगे भी यार, कहाँ की जल्दी है, अभी तो संतोष की वीडियो कॉल भी करानी है पीयूष से। तो बस आज पहली बार मिल लिए और केक वगैरह दे दिया था काफी बढ़िया से, और अब आगे मिलेंगे, लो भाई से पूछो अब क्या करना है। बस आगे अभी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं घुलने लग, फिर घुलते हैं और एक दो रोज में फिर से मीटअप करेंगे भैया से, अच्छी से मीटअप अभी अच्छी से करेंगे। एंड तो फिलहाल कहीं घूमते घामते हम पहुंच गए, कहाँ भैया? रिलायंस मॉल हल्द्वानी का, बहुत ही मस्त मॉल है और बहुत मजा आएगा यहाँ, तो चलते हैं वहाँ पर और कुछ चीजें जो है खरीदते हैं, शॉपिंग वगैरह करते हैं बढ़िया से। भाई हमारी ये 2-3 दिन की खुशियां हैं जो अभी यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, अभी मॉल आए हुए हैं भैया के साथ, बाकी फिर घर पे जाने के बाद तो फिर वही अपनी घर मम्मी पापा, बस और क्या, घर की ब्लॉग आएगी। इधर कुल्फी लिए हैं एंड खा रहे हैं अभी, कहा दी भैया भैया बड़ा उदास है जी, क्या बात है यार, चिल कीजिए आए हल्द्वानी घूमने, ठंडी में आइसक्रीम खा रहे भाई साहब, मजा आ रहा है। घर पे पहुंच गया हूँ एंड खाना वाना भी खा लिया हूँ, एंड अभी रात के भाई साहब देख सकते हैं 1 बज चुका है,
एंड वीडियो का एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और भाई साहब सौरभ भैया से तो आज मिले बट वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वो जल्दी जल्दी में थे, तो फिर नेक्स्ट प्लानिंग जल्दी बन रहा है एंड हम और भैया बैठ के एडिटिंग कर रहे हैं। तो फिर एक से दो रोज के बाद ना भैया हालत खराब हो गई एडिटिंग करके। भाई यूट्यूबर की जिंदगी में एडिटिंग बाट लग जाती है। बट कोई नहीं यार, टेंशन लेने की बात नहीं, सारा चीज मेहनत है, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा भाई मैं, ये सब मेहनत है एंड इसका फल एक ना एक दिन मिलेगा। एंड हाँ, सौरभ भैया का बात रहा तो कल नहीं परसों चलेंगे फिर से मिलने, क्योंकि भैया बात कर लिया ना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अंकल जी से बात की, जा रहे हैं अल्मोड़ा घूमने के लिए जा रहे हैं। बस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक आपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूजर आईडी deepakvlog01 कर सबसे कीमती वक्त निकालकर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता है आपको भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।